नमस्कार आप सभी को। ये पेट पेरेंट्स के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशली इसलिए क्योंकि मैं पिछले 12-14 साल से पेट शॉप चलाता हूँ, डॉग बोर्डिंग चलाता हूँ, एनिमल्स रेस्क्यू करता हूँ, मैं ये सब करता हूँ। और मेरा मेन इंटरेस्ट जो हमेशा रहा है वो ये रहा है कि डॉग्स लंबी लाइफ कैसे जिए। तो मैं इस चीज़ को जानने के लिए डॉग्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था, और मैंने ये पढ़ा कि जो डॉग 31 साल जिंदा था, जो डॉग 29 ईयर जिंदा रहे हैं गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के हिसाब से, वो सारे के सारे डॉग्स जो हैं वन टाइम डॉग फूड पे रहते थे। डॉग फूड का मतलब पैकेट वाला फूड नहीं, मतलब डॉग्स के लिए बनाया गया फ्रेश फूड, मतलब जिसमें कि वेजिटेबल्स होती थी, मीट होता था, चिकन होता था, ये सब चीज़ें होती थी। तो वो लोग ह्यूमन क्वालिटी वाला फूड अपने डॉग्स को देते थे। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप सब लोग भी चाहते हो कि आपका डॉग हेल्दी रहे, लॉन्ग लाइफ जिए, तो पहली चीज़ तो आप डॉग फूड का बहिष्कार करें, डॉग फूड ना यूज़ करें। दूसरी बात, ये जो कहानी बताना चालू कर दी अब बहुत से लोगों ने कि डॉग को डॉग का खाना देना चाहिए, ये बिल्कुल बकवास है। हमारे दादा परदादाओं के पास भी कुत्ते हुआ करते थे, तब के ज़माने में कोई भी टाइप का डॉग फूड नहीं आता था, और वो डॉग्स आराम से 18, 20, 24 साल जिंदा रहते थे। तो सिंपल सी चीज़ है, डॉग्स को हम लोग ओवर फीड कर रहे हैं 2 टाइम 3 टाइम। कई बार मेरे पास बोर्डिंग में ऐसे डॉग्स आते हैं जिनका एक पूरा मेन्यू आता है मेरे पास, सुबह 7 बजे ये खाता है, 9 बजे ये खाता है, 2 बजे ये खाता है, 8 बजे ये खाता है। और अगर आप उन लोगों से पूछ लो कि भाई साहब इतना सब खाता है ये कितने किलोमीटर दौड़ता है, तो कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि वो खुद नहीं फिट हैं, वो खुद नहीं दौड़ते हैं, कुत्ते को कहाँ दौड़ाएंगे। लोग ये नहीं समझते हैं कि आप अपने डॉग्स की ओवर फीडिंग कर रहे हैं। ओवर फीडिंग से क्या होता है कि भाई देखिए, जब डॉग ज़्यादा खाएगा और कम वर्कआउट मिलेगा तो वो सब उसकी बॉडी को हार्म करेगा। सेम यही चीज़ ह्यूमंस के साथ भी हो रही है, अगर कम खाएंगे तो ज़्यादा लंबी लाइफ रहेगी, ज़्यादा खाने से लाइफ लंबी नहीं होगी, शॉर्ट हो जाएगी। तो डॉग्स जो एडल्ट हो चुके हैं 1.5 साल के, 2 साल के, उनको गर्मी में आपको सिर्फ एक टाइम खाना देना चाहिए, जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है तब आप 2 टाइम दीजिए, अदरवाइज 8-9 महीने जो है एडल्ट डॉग्स को, 1 ईयर 1.5 ईयर के ऊपर वाले डॉग्स को दिन में 1 टाइम फीड देने से वो बहुत ही हेल्दी रहते हैं, उनकी लाइफ डबल हो जाती है। 10-12 साल जीने वाला डॉग जो है वो 24 साल जिएगा, अगर आप उसको 1 टाइम फीड दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा गलन वाली ठंडी हो रही है, जैसे कि यहाँ लखनऊ में पड़ती है दिसंबर जनवरी, तो दिसंबर जनवरी के महीने में आप 2 टाइम दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब 8 से 9 महीना कम से कम डॉग्स को 1 टाइम डाइट पे रखना चाहिए एडल्ट डॉग्स को। यही एक रीज़न है जो 31 ईयर्स का डॉग जिया, उसकी एज एट द टाइम ऑफ डेथ 31 ईयर 6 मंथ थी, और वो डॉग पूरे टाइम ह्यूमन फूड पे रहा है, उसको कभी भी उन लोगों ने डॉग फूड नहीं दिया, प्लस वो उसको 1 टाइम डॉग फूड देते थे। तो मेन रीज़न डॉग की लॉन्जिविटी का, लंबी उम्र का क्या है कि आप उसको 2 टाइम की जगह एक टाइम खाना दें, 8-9 महीने, जब बहुत ठंडी होती तब भले 2 टाइम दें। लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि उनकी ओवर फीडिंग की वजह से डॉग्स में बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, इसलिए डॉग्स अब बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लग गए हैं। आपको ये मोस्टली डॉग फूड कंपनियां, डॉक्टर्स, ये सब इस बात को दबाना चाहते हैं जिसमें कि आप इस बात से दूर रहें और अपने डॉग को ज़्यादा खाना दें। तो डॉग को 1 टाइम फूड दीजिए, गर्मियों में उनको लिक्विड ज़्यादा दीजिए, मठा वगैरह दीजिए, आधा लीटर 1 लीटर मठा रोज़ दीजिए पीने को, और फ्रूट्स दीजिए। खाना जो है हैवी मील वो 1 टाइम दीजिए, ये बेस्ट तरीका है डॉग्स की लाइफ को ज़्यादा करने का, 20 साल 25 साल करने का। मेरे मोहल्ले में एक डॉग था जो 18 साल प्लस होके मरा है, और वो रोड पे रहता था, वो कम खाना पाता था और ज़्यादा घूमता टहलता था, इस वजह से वो 18 साल रोड पे जी गया, 18 प्लस रोड पे जी गया वो। तो इस बात को आप लोग समझिए, डॉग्स को ज़्यादा फीड करने से डॉग्स की लाइफ स्पैन हाफ हो रही है। डॉग को लोग 3 बार 4 बार खाना दे रहे हैं, लेब्राडोर गोल्डन रिट्रीवर, इसको आप जितनी बार भी खाना देंगे वो खा लेंगे।
तो ये आपको समझना है, अगर आपको अपने डॉग से प्यार है तो उसको वन टाइम फीड पे रखिए, वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा, ज़्यादा एक्टिव रहेगा। थैंक यू एवरीवन।